डॉक्टर साहब, आप वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता के सामने कहेंगे किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जी, मैं वार्ड नंबर 22 किशनगंज मैन से चुनाव लड़ रहा हूँ सभासद पद का। मेरे मुद्दे रहेंगे साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, मच्छरों जिस समय मच्छर पैदा होता है नालियों की सफाई ना होने के कारण वो व्यवस्था को सही तरीके से करना, दवाई समय पर छिड़कवाना, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाना, वृद्ध पेंशन कराना और बंदर जो हैं इन बंदरों का भी नगर पालिका में सही तरीके से सभी सभासद और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ में मीटिंग करके इनका जिस प्रकार से भी परेशानी जो होती है जनता को उससे निवारण करना, और इसके साथ साथ में हमारा साफ सफाई पर विशेष ध्यान, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं पर हमारा ध्यान रहेगा। गरीब जो जनता है सड़कें बनवाना, जहाँ उनकी परेशानियाँ हैं, बेचारे नाली कुंचों में परेशान रहते हैं, और जी साथ में हमारी जो कई ऐसी और भी परेशानियां हैं जो लोग जिन पर ध्यान ही नहीं जाता, उन सारी परेशानियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सबके सहयोग से साथ दिया जाएगा। वो जब जनता हमारा सहयोग करेगी तो हम अगर वहां पहुंचते हैं तभी हम कामों को पूर्ण रूप से कर पाएंगे। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है जनता से आपको? जनता से मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ा ही प्यार मिल रहा है मुझे, जैसा मैं सेवा हूँ करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति है, किशनगंज से ही हूँ, और जैसी मैं दिन रात 24 घंटे कभी भी कोई मेरे पास आता तो उसकी सेवा के लिए हम तत्पर तैयार हूँ, वैसे ही जनता मुझे उसके बदले इतना प्यार दे रही है कि मैं कैसे मतलब मैं उसका आभार किस प्रकार से व्यक्त करूँ, इतना मुझे आभार। आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 22 के सदस्य को जी किस तरह की अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल मैं तो यही अपील करना चाहूँगा जनता से, हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि मुझे सूरज उगता सूरज पर वोट दे करके मुझे विजय बनाएं, और बाकी जो भी वार्ड के कार्य होंगे उनमें मैं पूर्ण रूप से उनका सहभागी बनूंगा, साथ दूंगा और हर समय पर उनका साथी बनकर रहूंगा। हमारे तो मुखिया खड़े हुए।